ऐसा लगता है अक्षय कुमार देओल परिवार के पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ, पहले उन्होंने 11 अगस्त को सनी देओल से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला किया। सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज हुई तो वो अपनी फिल्म OMG 2 लेकर आ गए। उस दिन दोनों ही फिल्मों का क्लैश हुआ। हालांकि सनी देओल की फिल्म गदर 2 520 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है और आगे भी इसकी कमाई चलती रहेगी। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 ने भी 141 करोड़ तक की कमाई कर ली और वो भी एक हिट हो गई। लेकिन अगर वो फिल्म गदर 2 के साथ नहीं रिलीज होती तो शायद अक्षय कुमार की फिल्म को ज़्यादा मुनाफा होता और वहीं सनी देओल की फिल्म को भी बेटर ओपनिंग मिलती। लेकिन अक्षय कुमार ना जाने क्यों सनी देओल के साथ उन्होंने बिल्कुल क्लैश कर लिया। अब देखिए दूसरी तरफ दोनों फिल्म आ रही है। राजवीर देओल इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। सनी देओल और धर्मेंद्र पिछले कई महीनों से लगातार अपने बेटे और पोते की फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। राजवीर देओल की ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की है और इस फिल्म में पूनम ढिल्लो की बेटी पालोमा जो है बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। अब ऐसे में अगर राजवीर की एक फिल्म आती है और उसके साथ अक्षय कुमार जैसे दिग्गज एक्टर की फिल्म आ जाएगी तो वैसे ही दर्शक जो हैं वो अक्षय कुमार की फिल्म देखने जाएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज रिलीज़ हो रही है और इसका नाम है मिशन रानीगंज भारत द ग्रेट रेस्क्यू। ये रानीगंज एक जगह है वेस्ट बंगाल में जहाँ कोल माइन में बहुत सारे जो है वर्कर्स फंस गए थे और फिर उनको बचाया गया था और वहाँ एक जो इंजीनियर थे उनकी जिन्होंने इनकी जान बचाने में मदद की थी मजदूरों की उन पर ये बायोपिक बेस्ड है। फिल्म में अक्षय कुमार सरदार के रोल में होंगे। तो अक्षय कुमार की ये फिल्म पहले ही हाइप पकड़ चुकी है। इस फिल्म में उनके साथ है परिणीति चोपड़ा। तो आप ज़रा सोचिए क्यों अक्षय कुमार ऐसा कर रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने सनी देओल से पहले पंगा लिया बॉक्स ऑफिस पर, हालांकि उस पंगेबाजी में वो सनी देओल से बुरी तरह से हारे। हालांकि उनकी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, उनकी फिल्म की भी सराहना हुई। लेकिन अगर शायद गदर और OMG 2 का क्लैश नहीं हुआ होता तो OMG 2 को ज़्यादा फायदा हुआ होता। दूसरी तरफ अक्षय कुमार अब उनके बेटे राजवीर देओल की जो डेब्यू फिल्म आ रही है वो आ रही है 5 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को आ रही है अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज। तो ऐसे में इन दोनों फिल्मों का जब क्लैश होगा तो क्या इसका बॉक्स ऑफिस पर परिणाम होगा? जी हाँ, कहीं ना कहीं राजवीर देओल की फिल्म को इसका नुकसान होगा। अगर राजवीर देओल की फिल्म के साथ अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं लोग अक्षय की फिल्म ज़्यादा देखने जाएंगे और न्यू कमर राजवीर की फिल्म अगर सोलो रिलीज होती तो शायद उनकी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। आपको ये बताएं कि राजवीर देओल की फिल्म दोनों को डायरेक्ट किया है सूरज बड़जात्या के बेटे ने और उनका भी बॉलीवुड में ये डेब्यू फिल्म है। दूसरी तरफ राजवीर आ रहे हैं और वहीं पूनम ढिल्लो की बेटी भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है। लेकिन अक्षय कुमार के इरादे समझ में नहीं आ रहे। पहले उन्होंने पिता से पंगा लिया, दूसरी तरफ वो अब बेटे को चुनौती देने आ रहे हैं। आपको ये बताएं कि जब अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 रिलीज़ हुई थी, सिनेमाघरों में लगी हुई थी, तब उनकी सास डिम्पल कपाड़िया सनी देओल की फिल्म देखने सिनेमाघरों में गई थी। गेटी सिनेमा हॉल में वो सनी देओल के साथ फिल्म देखती हुई नजर आई। वहीं जब ये फिल्म हिट हो गई तो सनी देओल डिम्पल कपाड़िया के घर पर स्पॉट हुए। सबको पता है कि डिम्पल कपाड़िया को माना जाता है कि सनी देओल के साथ उनका लंबे समय से अफेयर चल रहा है, वो उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड कहलाती हैं। और ऐसे में जब सनी देओल उनके घर के पास स्पॉट हुए, वहाँ साथ में अमृता सिंह भी थी और ये भी कहा गया इन दोनों को PVR जुहू में देखा गया जहाँ सनी देओल के साथ डिम्पल कपाड़िया मूवी देखने गई। तो डिम्पल कपाड़िया जो कि अक्षय कुमार की सास है उन्होंने सनी देओल की फिल्म दो दो बार देखी। दूसरी तरफ अक्षय कुमार ना जाने क्यों सनी देओल को बार बार चुनौती दे रहे हैं, बार बार देओल परिवार को चुनौती दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि पिछले 6 महीने में देओल परिवार में कई सारे फंक्शंस हुए लेकिन अक्षय कुमार नहीं गए। वहाँ सलमान गए, शाहरुख खान गए, आमिर खान गए, अजय देवगन गए लेकिन अक्षय कुमार नज़र नहीं आए। आपको बताएं हाल ही में सनी देओल ने जो अपनी फिल्म गदर के सक्सेस की पार्टी दी थी, फिल्म 500 करोड़ क्लब में पहुँच गई, उसके बाद उन्होंने पार्टी दी थी, उस पार्टी में पूरा बॉलीवुड पहुंचा था लेकिन अक्षय कुमार नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार और सनी देओल के बीच अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है और कहीं पहले अक्षय कुमार ने पिता को चुनौती दी और अब वो उनके बेटे राजवीर देओल की फिल्म को नुकसान पहुंचाने के लिए सिनेमाघरों में आ रहे हैं। आमतौर पर
बॉलीवुड में जब कोई स्टार किड लॉन्च होता है तो बॉलीवुड के तमाम सितारे जो हैं अपनी तरफ से उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सनी देओल के बेटे राजवीर देओल से भी अक्षय कुमार अपनी दुश्मनी निभाने में जुटे हुए हैं। तभी तो राजवीर की फिल्म के एक दिन बाद ही वो अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब सिनेमा घरों में अक्षय कुमार की फिल्म लगी रहेगी तो राजवीर देओल की फिल्म कौन देखेगा? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार की देओल परिवार से कोई दुश्मनी है और वो जो है जी भर के अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं।